चलिए स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया पर। मैं इसराइल चौधरी। सफर लगातार हमारा जारी है। हम इस वक्त वार्ड 26 पर पहुंच चुके हैं। वार्ड 26 पर बहुजन समाज पार्टी से समर्थित उम्मीदवार योगेश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद के साथ युवाओं के भरोसे इस वार्ड पर कूदे हुए हैं। लगातार जिस तरह से उनकी कैंपेनिंग चल रही है तो विपक्षियों की धड़कनें इस वक्त उन्होंने बढ़ा दी है। बीएसपी की पूरी टीम उनके लिए दिन और रात मेहनत करके इस चुनाव की नैया पार लगाने में पुरजोर कोशिश कर रही हैं। हार और जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से योगेश कुमार लगातार यहाँ पर अपनी बढ़त बना रहे हैं तो वाकई में वो सोचने वाली बात है। हमने सोचा उन्हीं के कार्यालय पर जाकर आज उनके कुछ कार्यकर्ताओं से वार्ता की जाए और जानकारी ली जाए कि इस वार्ड पर किस तरह की तैयारी चल रही है, युवाओं का क्या रुझान है, महिलाओं का क्या रुझान है और इस वार्ड पर आम बुजुर्ग क्या चाहते हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और बहुजन समाज पार्टी के कैडर के कुछ लोग भी, संगठन के कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का कैडर जिस तरह से काम करता है क्या इस वार्ड पर भी उसी तरह से काम चल रहा है। कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं, पहले दो चार सवालों के साथ मैं युवाओं से बात करूँगा और पूछने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से युवाओं की तैयारी है और इस वार्ड पर युवाओं का क्या चल रहा है। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा पवन खालरा। पवन जी, लगातार आप इस वार्ड पर चल रहे हैं, कैंपेनिंग चल रही है योगेश भाई के जो है समर्थन में, तो किस तरह की तैयारी युवाओं की इस वार्ड पर है? टॉप तैयारी चल रही है और धमाकेदार जीत के साथ योगेश भाई जीत करेंगे इस सीट पर बहुत ही टॉप तरीके से। अच्छा, ऐसा क्या है कि योगेश भाई को जो है इस वार्ड पर जो है इस तरह? युवा की धड़कन है, युवा की आवाज़ है। योगेश भाई हर तरीके से सब समाज सेवी आदमी हैं, हर तरीके से किसी भी तरीके का कोई भी काम हो योगेश भाई खड़े हैं हर आदमी के लिए। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। इस वार्ड पर युवाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए, नया कुछ क्या होना चाहिए? जिस तरह से आजकल सरकारें बहुत सारा पैसा बहाती हैं, खेल के मैदान होते हैं और अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें बस भाई साहब साथ। सड़कें नालियों का क्या हाल है इस वार्ड पर, सड़कों का क्या हाल है? अभी तक तो बुरा था, पर लेकिन जब तक योगेश भाई आए तो लग रहा है कि कुछ सुधार हो सकता है। आपको लग रहा है? चलिए मैं उधर से बात करता हूँ। भाई साहब का नाम क्या है? विक्रम। विक्रम भाई, इस वार्ड पर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो क्या मिल रहा है सुनने को, क्या कह रहे हैं आम युवा बुजुर्ग महिलाएं, क्या कह रही हैं? योगेश भाई का प्रचार है और जीत है पक्की। ठीक है जी। अच्छा, क्या क्या इस वार्ड पर किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हैं? जो यही होती है, नाली सड़कें वगैरह वगैरह और बहुत से काम होते हैं, ये चीज़ें होती है। तो आपको लगता है कि योगेश को अगर जनता ने मौका दिया तो ये सारी दूर होंगी? मौका तो मिल रहा जी, मिला है, पूरा फुल सपोर्ट है। किस तरह का समीकरण बनना है? बहुत बढ़िया समीकरण बनना है। भाई साहब का नाम क्या है? नवीन कुमार। नवीन कुमार जी, इस पर क्या गठजोड़ है, एक मुस्लिम दलित का जो गठजोड़ होता है, क्या इस वार्ड पर भी इस तरह का समीकरण बनना है? जी जी जी, बनना है। क्या लगता है आपके जो है योगेश भाई के समर्थन में, सब समाज योगेश भाई के समर्थन में है, योगेश भाई को सपोर्ट कर रहा है? ये जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है, लोगों के काम करते हैं, पहले भी काम किए इन्होंने लोगों के और आगे भी काम करेंगे लोगों के। जी जी, तो आपको लग रहा है कि युवा इनको पूरी तरह से जो सपोर्ट कर रहे हैं? दिल से सपोर्ट है जी, आप फील्ड में जाकर देख लो, योगेश भाई का ही नाम लोग बाग बोलेंगे। चलिए, एक भाई साहब हैं, भाई साहब से जानकारी लेंगे। एक मिनट के लिए आगे, कोई बात नहीं, आप आ जाइए, मैं आपसे एक दो सवाल करूंगा। आप भी लगातार योगेश भाई के टीम का हिस्सा हैं, तो सुबह निकल जाते हैं, शाम आते हैं, सुबह निकल जाते हैं। योगेश भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जीत पक्की है। ठीक है जी, जीत तो पक्की। चलिए, भाई साहब से बात करूंगा। भाई साहब का नाम क्या है? जी, पंकज कुमार। पंकज कुमार जी, आप एक बात बताइए, इस वार्ड पर योगेश भाई का प्लान क्या है भविष्य का, किस तरह की समस्याएं हैं जो अगर जनता ने इनको मौका दिया जो दूर होंगी? जी बताइए। योगेश भाई एक ऐसे नेता हैं जी जी, ठीक है, जिसकी जिसकी अभी ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ। अभी योगेश भाई की ही ज़रूरत है, बीएसपी को भी। हाँ। और समाज को भी। तो आपको लगता है कि इनको मौका दिया जाएगा? 101%। चलिए, हम एक भाई साहब और मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड पर किस तरह के हालात बन रहे हैं। शुभ नाम क्या है? देशराज। इस वार्ड पर किस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या हो रहा है? बहुत सारे प्रत्याशी इस वार्ड पर हैं। योगेश भाई के सामने तो कोई टक्कर भी नहीं है यहाँ। यहाँ एक तरफा मुकाबला है, बाकी सब तो घर में बैठ गए। यहाँ योगेश भाई दिल बच्चों के, दिल युवाओं की और बुजुर्गों की, सभी के दिलों की धड़कन योगेश भाई हैं। और योगेश भाई दुख सुख में सभी के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े रहते हैं, और जब भी कोई अगर किसी को दिक्कत परेशानी होती है उसके साथ खड़े रहते हैं और मदद भी करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं। उन्होंने कोरोना काल में भी लोगों को घर घर किट पहुंचाई है, राशन की किट पहुंचाई है, मदद की है। बेलडा, शंकरपुरी, ब्रह्मपुर, कन्नड़पुर, माजरा, यहाँ तक के रुड़की,
ये आपका क्या नाम आदर्श नगर हो गया, पठानपुरा वहाँ तक की भी मदद की है। ये आर्थिक रूप से मदद करते हैं और गरीब जो महिला बच्चे हैं वो क्या नाम लड़कियों के साथ होते हैं उसमें मदद करते हैं गरीबों की, मतलब जहाँ तक इनसे होता है अधिक से अधिक। और इनसे उम्मीद यह है कि अगर ये हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तो यहाँ किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, स्कूलों में काफ़ी सुधार होगा। फिलहाल इस प्राइमरी जो स्कूल हैं जो जूनियर स्कूल हैं उनकी हालत खस्ता है और यहाँ विकास तो ना के बराबर है। इस टाइम बिजली की भी ऐसा ही समस्या काफ़ी रहती है, कभी चली जाती है आ जाती है और यहाँ लाइन भी। मैं यहाँ आपको टोकना चाहूँगा, जब जीत हो जाती है जब उनको जो है जनता चुन लेती है तो पता नहीं क्यों अपने वादों से मुकर जाते हैं, जनता को निहत्ता छोड़ देते हैं, पहले वादे किए जाते हैं। ऐसा कुछ होगा इस वार्ड पर? ऐसा कुछ नहीं होगा योगेश भाई, अगर हमारे बीच जीत का है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि योगेश भाई हमारे बीच में पहले से रह रहे हैं और हम उन्हें भुगत भी चुके हैं, क्योंकि पहले से बिना जीते भी यहाँ लोगों के साथ खड़े हैं और विकास भी करा उन्होंने। ऐसा नहीं है, जो उनके लायक काम है, जैसे पहले तो वो यहाँ मतलब एक जीते नहीं थे, समाज सेवा के रूप में काम करते रहे और लोगों के बीच कोरोना काल में भी जो आदमी कोरोना काल में खड़ा रहा तो वही सच्ची मदद कर सकता, क्योंकि ऐसे दुख के समय लोगों के साथ रहा तो वो इनकी मदद भी कर सकता। क्या लगता है इस वार्ड पर अब क्या लग रहा है, फाइनली क्या लगता है? फाइनली है कि योगेश भाई की एक तरफा जीत है, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, इनका मुकाबला किसी से नहीं है, बाकी कैंडिडेट सब कमज़ोर पड़ चुके और यहाँ बसपा केवल बसपा ही बसपा नज़र आ रही है। और हम भी इधर नौ गांव पढ़ते हैं, नौ के नौ गांव में हम घूमे हैं। अच्छा, कुल कितना वोट इस वार्ड पर है? यहाँ लगभग इस वार्ड पे 21,000 के आसपास है। प्रत्याशी भी काफ़ी हैं? प्रत्याशी काफ़ी है, उनसे तो और बेहतर होगा। अच्छा, हाँ, हमारा इसलिए तो जीत एक तरफा होगी, उनके ज़्यादा कैंडिडेट होने से हमारी जीत एक तरफा होगी। यहाँ मुस्लिम समाज, सैनिक समाज और रोड समाज, कश्यप समाज और दलित समाज तो एक तरफा है ही पार्टी के नाम पर, बाकी हर समाज से हमें वोट मिल रहा है और इसलिए हम 50% पर लेकर चल रहे। फिलहाल हमारा जो जितना भी वोट है इस सीट पे 50% भाई योगेश के पक्ष में जा रहा है और इसलिए हमारी एक तरफा जीत हो रही है, हमारी टक्कर पे कोई है ही नहीं। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम आर्यन है। आर्यन भाई, पूरे कारण की तरह जो है लगातार पूरी टीम जुटी हुई है, तो ये नैया पार लगा पाएंगे क्या? नहीं देखिए, योगेश भाई के जितने भी समर्थन है सारे दिल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। योगेश भाई कोई नेता नहीं है, योगेश भाई सब लोगों के बीच में से उठे हुए हैं और लोगों ने खुद उनको चुना है चुनाव के लिए। योगेश भाई एक ऐसा शख्स है कि इंसान जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं सब दिल से जुड़े हुए हैं और सबके युवाओं की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, सबके दिलों की धड़कन है हमारे योगेश भाई। योगेश भाई के साथ जो भी लगा हुआ है सब दिल से लगे हुए हैं। जी, युवाओं का तो फुल सपोर्ट है, कहते पूरे जोरों शोर के साथ। अच्छा, क्या 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 उम्मीदें हैं ये योगेश से, जनता ने अगर इनको कल मौका दिया? क्योंकि देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, फिर बहुत सारे वादे किए जाते हैं जो वार्डवासियों से या ग्राम पंचायत में, वो वादे भुला दिए जाते हैं। आम आदमी को क्यों ऐसे छोड़ दिया जाता है, क्यों विकास नहीं हो पाता? 75 साल होने के गुजर जाने के बावजूद भी आज हम जो है किस हाल में खड़े हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? वही चीज़ का मैं आपको जवाब दूँ, इन चीज़ों से तंग आके ही हमने योगेश भाई को चुना है, क्योंकि योगेश भाई कोई नेता नहीं है, वो बिना किसी पर उस चीज़ के, बिना किसी चुनाव में लड़े हुए भी लोगों की सेवा करते हैं रात दिन। उनके दर पे कोई भी चला जावे, किसी भी समाज धर्म का हो, वो हर आदमी की सेवा में लगे रहते हैं हमेशा। और वो कोई सेवा करने से पहले कोई फोटो क्लिक नहीं करते, कहीं पोस्ट नहीं करते, कोई दिखावा नहीं करते, वो लोगों की सेवा करते हैं आँख बंद करके और मुट्ठी बंद करके, और इसीलिए हमने उनको चुना है। यहाँ हमने एक दो सवालों के साथ उनसे जवाब जानने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मेरे जो लोग हैं वही बात करेंगे। ये उनका कॉन्फिडेंस है क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए इतना कर रखा है, उनको उम्मीद है उनके लोगों से कि उनके लोग जो उनके लिए बोलेंगे ना हमेशा सही बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों को खरीद नहीं रखा है, प्यार में लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और सब लोग जुड़े हुए दिल से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारे दिल का एक ही नारा है, योगेश भाई जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही रहेंगे और योगेश भाई जिंदाबाद। जनता बोल, देखिए बड़ी मजबूती के साथ इस युवा ने अपनी बात रखी और सभी मुद्दे कुछ ही मिनटों में यहाँ के सभी मुद्दे आपके सामने रखे। बहुजन समाज पार्टी का कैडर बहुत मजबूत होता है, संगठन से जुड़े लोग ज़मीन पर काम करते हैं और जब ज़मीन पर काम होता है तो वो जीत निश्चित होती है। यहाँ हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के संगठन से जुड़े एक पदाधिकारी मौजूद हैं, हम उनके नाम जानने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि बीएसपी का संगठन इस वार्ड पर किस तरह का काम कर रहा है। हम हालांकि अलग अलग वार्डों पर जा रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो इस वार्ड पर भी किस तरह के हालात है? सर, आपका पूरा नाम और कहाँ से हैं और किस तरह की तैयारी चल रही है? सबसे पहले मैं सबको जय भीम करता हूँ और मेरा गांव शंकरपुरी है, डॉक्टर मनीराम मेरा नाम है, मैं पूर्व कोऑर्डिनेटर टिहरी हूँ बहुजन समाज पार्टी से। जी, यहाँ बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकतवर में है क्योंकि हमारी 44 सीटें हैं यहाँ पर,
हर बार हर 5 साल के बाद बहुजन समाज पार्टी अपना ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनाती है। आपको पता है, आप सभी मेरे बंधु मीडिया के जितने भी लोग हैं, परंतु ये तो कुछ हमारे ही बीच में हमारा गठजोड़ न हो करके दलित मुस्लिम का गठजोड़ अगर हो जाएगा, अब की बार दलित मुस्लिम का गठजोड़ है, कोई भी हमारे सामने नहीं टिकेगा, ये मैं वादा करता हूँ। और सबसे पहले वार्ड नंबर 26 जो मेवट खुर्द के नाम से है, यहाँ पर हम सबसे पहले योगेश भाई जीत के जाएंगे बहुजन समाज पार्टी से। बाकी हमारा वोट बहुजन समाज पार्टी का ही बनेगा। आज वोट बहुजन समाज पार्टी का, अब की बार बहुजन समाज पार्टी का बनेगा, क्योंकि हमारे कम से कम 25 सीटें आ रही हैं 44 सीटों में से जिले के अंदर पूरी मजबूती के साथ पूरे, क्योंकि हम लोग अब आज 8-9 दिन के अंदर हम सभी पदाधिकारी लग करके बहुजन समाज पार्टी के जितने भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं हम सब के मीटिंग करेंगे और जिताने का काम करेंगे और अपना बोर्ड बनाएंगे। तो 24 की तैयारी इस छोटे से इलेक्शन से की जा रही है, शायद ऐसा लग रहा है उत्तराखंड में भी कुछ ज़मीनी जो है हकीकत जानने की जो हमने कोशिश की तो ऐसे ही हालात नजर। हाँ, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि तंग अब हरिद्वार जिला क्या, उत्तराखंड क्या, पूरा भारत क्या बहुत तंगी में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथों में सत्ता लेके इन गरीबों का, मजलूमों का, दलितों का, मुस्लिमों का, सबका हक छीनने का काम किया जनता पार्टी कर रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, जमीन से जुड़े ये लोग होते हैं, और बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम है। वार्ड नंबर 26 से योगेश कुमार इस वक्त अपनी पूरी दावेदारी के साथ जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हालांकि वार्ड 26 मेवट खुर्द से बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से तैयारी कर रही है, तो देखने वाली बात ये होगी कि इस वार्ड पर किस तरह के जो है समीकरण बनेंगे और ये वार्डवासी किसको अपना जो है प्रतिनिधि चुनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ। मैं इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया के लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।